लोक आस्था के महापर्व छठ पर गुरुवार की शाम गोरखनाथ मंदिर स्थित भीम सरोवर पर व्रतधारी महिलाओं ने अस्ताचलगामी सूर्यदेव की पूजा अर्चना की और अपने पुत्र के दीर्घायु होने की कामना की। व्रती महिलाओं और पुरुषों ने अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया और सुख समृद्धि की कामना की। घरों में व्रती महिलाओं ने स्नान ध्यान के बाद अर्घ देने के लिए सूप दौरी तैयार किया। इसमें 5 से 7 प्रकार के फल, ठेकुआ, चावल से बनी मिठाई, फूल माला, दीपक, रोरी, सिंदूर, कपूर, अगरबत्ती आदि को सजाया। दोपहर बाद महिलाएं और पुरुष नए वस्त्र पहनकर पूरे परिवार के साथ नंगे पैर भीम सरोवर पर पहुंचे। विभिन्न इलाकों से व्रती महिलाएं गाजे बाजे के साथ सरोवर पर पहुंची तो घर के पुरुष सदस्य सिर पर फलों का दौरा लेकर चल रहे थे तो किशोर कांधे पर गन्ना रखकर घाटों पर पहुंचे। घाटों पर पहुंचकर व्रतियों ने फलों की टोकरी, सूप रखे। इसके बाद घाट पर वेदी बनाकर पूजा अर्चना की और कलश स्थापित किया तथा अपने परिवार के साथ साथ लोक मंगल की भी कामना की। इस दौरान सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए थे। महिला पुलिस भी तैनात रही। सीओ गोरखनाथ रत्नेश सिंह, गोरखनाथ मंदिर के सुरक्षा प्रभारी अजय सिंह, थाना प्रभारी गोरखनाथ रत्नेश सिंह सहित एलआईयू के इंस्पेक्टर और अन्य पुलिसकर्मी सुरक्षा व्यवस्था पर नजर बनाए हुए थे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए व्रती महिलाओं ने कहा। माताओं के साथ, बहनों के साथ परिजन आए हैं। पूर्ण रूप से लगभग पुलिस के जवान, पीएसी के जवान, होमगार्ड के जवान और उनके पदाधिकारी अपने I'm
छठ माँ का सब लोग व्रत कर रहे हैं। आज यहाँ पे घाट पे बहुत अच्छा लग रहा है और ये व्रत माताओं अपने बच्चों के लिए रहती हैं। व्रत रहते हुए हम 25 साल हो गए हमको व्रत रहते हुए, हम यही ठन करते हैं व्रत। अपने बेटे का व्रत है गोरखनाथ बाबा को दुआ से, छठ माई की दुआ से हमको कोई चीज़ की कमी नहीं रहते हैं। छठ माता सबकी मनोकामना पूर्ण करती है। जब हम मन्नत मांगे थे हे माता मुझे भी एक लड़का दे दो, तो माँ ने ठीक दिया, तब जाके मैं कोसिया भी भरी थी माँ के यहाँ, यहीं पर यहाँ एक बार किए थे, एक बार घर पर किए थे। तो छठ माता से जो भी कामना इंसान मांगते हैं सबका पूरा होता है। माँ तो इतना महत्वपूर्ण भी है, कृपा भी करती हैं माता रानी। आज जो भी माता से कामना करता हम तो सबके लिए कहेंगे, जनता सबके लिए कहेंगे हे माँ कोरोना जैसे आया है ये भी हटा दीजिए माँ, सबको सुख संपत्ति दीजिए माँ, ये रोग यहाँ से हटा दीजिए। हम ये व्रत कह रहे हैं ये पति पुत्र धन समृद्धि सब चीज़ के लिए रहा जाता है। हम तो अपने बच्चे के लिए और पति के लिए व्रत कर रहे हैं कि वो दोनों सुखी रहें, तो आप भी सुखी रहेंगे, ये चाहते हैं कि दोनों सुखी रहें। आप जागरूक हो, मास्क लगाइए, इस साल 5वां साल है, दूरी बनाइए। दो बच्चे हुए, पहले नए बच्चे हो रहे थे व्रत किए तो बच्चे हुए हैं, तो परिवार के लिए किसकी पूजा है? छठ माता के सूर्य देव की उपासना है, किस तरह होता है सूर्यदेव की उपासना है, इसमें शाम को अर्घ दिया जाता है और फिर सूर्यास्त की पूजा की जाती है। ये छठ ही ऐसा पर्व है जिसमें डूबते सूर्य की पूजा की जाती है, उसके बाद फिर अगले सुबह फिर सूर्योदय के समय फिर सूर्य उपासना की जाती है। 24 घंटे का व्रत रहता है निर्जला व्रत, उसके बाद सुबह में अर्घ दे के ही इसको खत्म किया जाता है।